मैं जस्ट इंडियन एम्बेसी से बाहर आया और इंडियन एम्बेसी वालों ने मुझे सीधा मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें उनसे मिलने नहीं दे सकते बिकॉज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विपिन गुजेला। सो आज है संडे और आप सभी लोगों को पता है कि आज मेरा जो पहला काम है वो क्या है। नहीं पता तो इसका मतलब यार आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं रहे हो। वीडियो देखा करो यार, नोटिफिकेशन बेल को जो है ना ऑल पे क्लिक करके रखो और वीडियो जो है देखा करो यार। आती है तो प्लीज़ देखा करो कि क्या चल रहा है यहाँ पे कुवैत के अंदर, हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है ऐसा है। सो चलो, जिसने नहीं देखी बता देता हूँ, जिसने देखी उन लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो आज हम जाने वाले हैं, जैसे कि अभी दो तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि भाई रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल, जो इंडियन एम्बेसी ने क्या क्या किया। सो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ और एक और भाई है हमारे और एक लड़की है हमारी बहन जैसी है। सो वहाँ पे जाता हूँ उन लोगों से मिलने और क्या क्या चीज़ें हैं। अगर जिसने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी दो तीन दिन पहले वाली, तो प्लीज़ जाके तो आपको तभी समझ आएगा कि क्या हो क्या रहा है। सो प्लीज़ उस वीडियो को, मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, और कोई वीडियो देखो ना देखो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको सारी चीज़ समझ आएगी। और अगर आप चाहो तो हेल्प भी कर सकते हो दूसरों लोगों को, वो भी शेयर करके। सो प्लीज़ अगर इस टाइप की वीडियोस अगर आप देखते हो कि कुछ लग रहा है कि मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी का भला हो रहा है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि शेयर किया करो यार, ताकि यू नो लोग अवेयर रहें कि ऐसे चीज़ों में फंसे ना। तो मैं भी नहीं चाहता कि यार, मतलब बहुत बुरा लगता है। देखो मुझे 4 साल हुए हैं, चलो बाय गॉड ग्रेस आप सब लोगों की दुआ की वजह से, प्यार की वजह से, सब लोगों की वजह से सब कुछ सही चल रहा है अपना। तो बट कोई बंदा आता है, कोई भी आता है अपना देश छोड़ के यहाँ पर, तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि मतलब घरों में खासकर जो लोग काम करते हैं, जो भी, मैं किसी से, हर किसी से चलते फिरते मैं हर किसी से पूछता हूँ भाई क्या हाल है, कोई दिक्कत परेशानी, तो मैं पूछता रहता हूँ, मेरी आदत है पता नहीं क्यों यार। कोई मैं कहीं पर भी खड़ा हूँ, कोई अनजान बंदा भी, तो हर किसी से मैं पूछता हूँ क्या हाल है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या चल रहा है, कितने साल हो गए। सो बस यही है कि यार काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी लोग ना, कोई भी बंदा बस परेशान हो, बस यहाँ पे दूर आया अपना यार पैसे कमाने के लिए, पैसे कमाऊँ अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए आया है। सो बस यही है, चलो अब चलते हैं आज इंडियन एम्बेसी। अभी तो मैं पी रहा हूँ अपनी ग्रीन टी, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे। और जो टाइम हो रहा करेक्ट 11:56 हो गए हैं, सो लेट्स गो। तो हमने ये टारगेट किया है भाई 50,000 सब्सक्राइबर मार्च स्टार्टिंग, मतलब जो फेब्रवरी एंड। यार देखो करवा तो आप सकते हो, लेकिन वो सब है आपके हाथ में और देखते हैं क्या होता है। मेहनत तो हमारी जारी है, खैर नहीं भी कराओगे यार इट्स ओके, बट मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो सब आप लोगों के हाथ में। तो फटाफट अभी हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं। सो आज हम साइकिल से नहीं जाने वाले, आज हम जाने वाले हैं बस से, बिकॉज़ क्या है, कल मैंने किया था लेग्स का वर्कआउट और उससे क्या थोड़ा बहुत पैरों में दर्द है और आने जाने में भी टाइम लग जाएगा साइकिल से, 2-2.5 किलोमीटर कुछ है। तो मैं नहीं चाहता कि वो जो मेरा टाइम है मैं उसको वेस्ट करूँ, बिकॉज़ आज बहुत काम है मेरे को, 2-3 वो मैं ख़त्म करने हैं। और बस जाते हैं बस से, 5 मिनट पहुंच जाएंगे, 250 फील्स लगेगा आना जाना, 500 फील। तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, कोशिश करूँगा कि उनके वो पहले मुझे मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज़ फिर उनके घर वालों से मैं उनकी बातें कराऊँगा और देखते हैं क्या होता है। यार यही बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आप वीडियोज़ को देखते हो तो लाइक शेयर कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग जो है ना मुझसे कमेंट में करते हैं कि भाई आपसे मिलना है तो कहाँ पर आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM भी करते हैं। तो यही बोलूँगा आपको, एक बार दिखा देता हूँ अपनी लोकेशन। सो मैं रहता हूँ, जो ये बिल्डिंग है ये है एरिया का नाम बैनी दलकर, इसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। अगर आपको मिलना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मिलना है तो बिल्कुल दिल खोल के मिलो, मुझे भी अच्छा लगता है कि यार आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, मिलना चाहते हो मुझसे, मैं भी मिलना चाहता हूँ। सो बस यही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो, कई लोग हैं जो वीडियोस पूरी नहीं देखते, कहते भाई ये चीज़ वो चीज़,
तो वही कहता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करो यार। जो भी है, काफ़ी वीडियोस में मैंने बता रखा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, बट फिर भी लोग पूछते हैं भाई आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो यही यार, वीडियो देखा करो भाई, पूरी देखोगे तो सब कुछ पता लगेगा, स्किप करके मत देखा करो। चलो चलते हैं। और टाइम जो हो रहा है 1:50 हो रहा है, 1:50। थैंक यू। यार देखो, 1:50 पे मैं चढ़ा था और 1:54 पे पहुंच गया, तो सामने है इंडियन एम्बेसी। मेरे हिसाब से कुछ शायद 1.5-2 किलोमीटर ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर ही होगा। सो मैं आ गया हूँ, साइकिल से लग जाता 15 मिनट, पैरों में सच बोलता हूँ बहुत दर्द हो रही है। सो चलते हैं हमने इंडियन एम्बेसी, लेट्स गो। लेकिन अंदर जाके ना काफ़ी चलना पड़ेगा। यहाँ पे भी वर्कआउट तो काफ़ी अच्छा ही हो रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि यार हो जाए, बस हो जाए, बात हो जाए, वो लोग मिल जाए, बात हो जाए। सामने मेरे को पुलिस वालों की गाड़ी दिख रही है, तो इसी को रख देता हूँ मैं नीचे और अपना निकाल देता हूँ छोटा वाला कैमरा, बहुत में एक्शन, ताकि उसमें माइक वाइक पूरा सेटअप लगा हुआ है, उसमें नहीं लगा हुआ, तो वो छोटा सा है, तो कभी भी निकालो, कभी भी चालू करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सो बस। और हाँ, एक चीज़ और यार, काफ़ी लोग जो है ना, इंस्टाग्राम में मैंने स्टोरी तो डाल दी थी, इसलिए कहता हूँ प्लीज़ फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, कि क्या है ना, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमेंट्स करके कि भाई जो अभी झगड़ा हो रखा है अमेरिका को लेके ये सब, तो कुवैत में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो यार, मैं भी घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही, बट मैं यही बोलूँगा कि यार जो कुवैत से इंडिया, इंडिया से कुवैत जा रहे हैं, एयरपोर्ट साइड में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो मुझे नहीं पता, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एम्बेसी तो मैं पहुँच गया हूँ, बट शेल्टर कहाँ पे है मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। चलो, एक्चुअली एम्बेसी तो मैं पहुँच गया हूँ, बट शेल्टर्स किस तरह बने हुए मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, पता करता हूँ किसी ना किसी से, और बस यही दुआ कर रहा हूँ कि उनके घर में बात हो जाए। लेट्स गो। कहाँ के रहने वाले? इंडिया। अच्छा, इंडिया कौन सी जगह? मेरी बात हुई थी आपसे, ऐसे एक याद नहीं होगा आपसे, तो मतलब बात करता हूँ। होता ही और होता है, लगा तो गई यार। और कैसे एम्बेसी? बस मैं तो सर्टिफिकेट पे डास्टेड कर रहा हूँ। अच्छा, हो गया टेस्टेड? हो गया। हाँ, हो गया मेरा डिग्री पे, लाइसेंस के लिए। अच्छा, इंजीनियर्स क्या होगा तुम्हारा? कोई तरह से थ्रू। अच्छा, क्या बात है, आपने एक बार पूछा था ना। हाँ, राइट, मुझे अच्छा, ओके, मुझे याद आ गया सर। दो बंदे अभी भी बैठे हुए वहाँ पे, मुझे सुन से बात किया था। अच्छा, तो बोला उनकी वीडियो देखी कि नहीं आपने? तो हमने बोला हाँ, हमने देखी, मुझे लगा। अच्छा, बस यार अभी आया था, देखा होगा आपने लेटेस्ट वीडियो जो है ना, मैंने कहा चलो देखता हूँ शेल्टर्स वगैरह, मैं वही बता रहा था वो लेडीज के लिए कर रहा था, तो वही मैं जा रहा हूँ। एक और बंदा है, सो मेरा तो खैर यहीं पे ही है, पास में, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, देखा यार 2 किलोमीटर कुछ होगा। चलो यार, आर्टिस्ट किसी के लिए कुछ हो जाए, सही बात है ना। मैं आज का कांटेक्ट करने वाला था तुमको। अच्छा, मैं मामा रोटी गया था। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, बट मैं अर्दी वाले पे चला गया था। अर्दी वाला भी गुड है? अर्दी वाला मैंने देखा नहीं, बट वहाँ पे बाहर बैठने के लिए नहीं है। नहीं है? नहीं, बट वो वाला अच्छा था। हाँ, तो उनको पूछा मैंने कि भाई आए थे विपिन गुजर यहाँ पे, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, आपके वीडियो पे मैंने कमेंट भी किया था कि मैं भी जाने वाला हूँ, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। हाँ, एक दो बंदों ने तो किया था। क्या नाम है आपका? मुनाफ। मुनाफ, मुनाफ पूरा नाम? यूट्यूब चैनल है मुनाफ कादरी। मुनाफ कादरी, ओके। सो भाई का भी यूट्यूब, आप किस चीज के ऊपर बनाते हो? मैं ट्रैवलिंग के ऊपर बना। ट्रैवलिंग, गुड यार। एज आई ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो मैं। अच्छा, मुझे याद आया, जब शायद आपने मेरी एक वीडियो में कमेंट किया था और आपने मुझे बोला था कुछ माइक वगैरह लेके आया था, राइट? अडैप्टर, राइट। देखो, मुझे याद रहता है हर बंदे का कमेंट, और कितना पुराना, कुछ 3-4 महीने पुरानी बात है। हाँ, वो मैं कहता रहा हूँ, मुझे याद रहता है। अच्छा, क्या बात है, माइक अटैच है अभी ये वाला। अच्छा, मैंने तो इसलिए नहीं लगाया। बस आपकी देख रहा था स्टोरी, अभी देखा कि नहीं आपने? अभी तो हाँ दिखाया था ना आपने। गुड, चलो, ओके, ऑलराइट, ओके, हाँ, गुड यार। काफ़ी लोगों ने कर रखे थे, अब वही है, जिसका जो है तो उसी का रिप्लाई देना बनता है। सही बात है ना।
क्या बात, अरे मुनाफ पूरा क्या नाम बताया था आपने? मुनाफ कादरी को भी भाई फॉलो करो, इनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देखो ट्रैवलिंग वीडियो इनकी भी। तो अभी चलते हैं, तो मेरे साथ ही भाई भी हैं, लेट्स गो, देखते हैं। मुझे भी पता नहीं यार शेल्टर कहाँ है, मैंने कहा चलो भगवान के भरोसे आ गए। A few moments later, इंडियन एम्बेसी से मैं बाहर आ गया हूँ, और बताना चाहता हूँ कि इंडियन एम्बेसी ने मुझे मना कर दिया उन लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज वो लोग कह रहे थे कि भाई हम ऐसे मिलने नहीं देते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई उनके घर वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मिलने दो, एटलीस्ट मैं उनकी बात करा देता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हो तो प्लीज़ लेके जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे किसी को नहीं मिलने दे सकते। सो भाई मैं क्या कर सकता, उन्होंने बोला कि, मैंने कहा कि मैं एक बार देख लेता हूँ बात करके, सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन ये वो। उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल टेक केयर करते हैं, इसीलिए इंडियन एम्बेसी खोली गई है। तो उस टाइम पे दो मेरे सब्सक्राइबर ही थे, वो लोग भी, उन्होंने मुझे देखा हुआ था। सो जब मैं गया वहाँ पर उन्होंने मुझसे बातें करी, तो वो लोग भी शेल्टर में रहने के लिए जा रहे थे, बिकॉज उनका जो है ओनर उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, उनको बोला अपने सब्सक्राइबर को कि भाई अगर आप शेल्टर में जा रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की, उन लोगों का नाम नहीं बोलूँगा यहाँ पे, सो वो लोग वहाँ पे हैं, सो प्लीज़ आप उनसे मेरी बात करा देना। मैंने उनको अपना नंबर दिया और उनको बोला कि जब भी आप मिलोगे तो प्लीज़ मेरी एक बार बात करा देना, ताकि उनके घर में मैं बोल सकूँ कि हाँ भाई ये लोग सेफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहाँ पे जो मैडम खड़ी थी, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, इंडियन एम्बेसी में जो भी कोई आता है सेफ़ ही रहेगा, बिकॉज हम इसीलिए बैठे हुए हैं। तो सैल्यूट इंडियन एम्बेसी यार, कि आप लोग इतनी हेल्प कर रहे हो। और काफ़ी लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि इंडियन एम्बेसी हेल्प नहीं करती। यार देखो अभी तक मैं 2-3 बार गया हूँ, सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, और जिसको नहीं हुई आई डोंट नो उनको क्यों नहीं हुई और उनका क्या मामला था, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ आप सीधा इंडियन एम्बेसी जाया करो। तो बस यही है कि उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं मिला सकते, दैट्स इट। और मैंने उनको बोल दिया जब भी कुछ ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब भी कुछ फ़ोन आएगा तो मैं आपको वीडियो में अपडेट कर दूंगा, आने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ जो भी कुछ होगा। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बाकी चीज़ें जो है कल कंटिन्यू करेंगे कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतने, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। तो अभी जस्ट मैं यही बोलूँगा कि वहाँ से तो मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे अभी जस्ट मैं एक फ्रेंड के साथ, जो हमारे सब्सक्राइबर भी प्लस में उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो उनके साथ थोड़ा सा कोलैब चल रहा है।